आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो रोप होता है, इस प्रकार से जो सीलिंग रोप होता है, आपने देखा होगा केज हॉस्ट में, या जो क्रेन वगैरह होती है जो वेट को उठाती है, या कोई भी वेट, अगर भारी वेट उठाना है तो इसी प्रकार का जो सीलिंग रोप होता है उसी का उपयोग किया जाता है, जो जीआई का होता है। इस प्रकार से हुक लगा होता है और इसी में फंसा करके, क्योंकि क्या होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत अच्छा होता है वेट उठाने के लिए। कहीं पर भी यदि वजन उठाना है तो इसी रोप का उपयोग किया जाता है। तो यह जो रोप होती है, सीलिंग रोप होती है, इसका वेट लिफ्टिंग जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, तो वह कितना वजन उठा सकता है, उसको यदि आपको कैलकुलेट करना है मोटा माटी, मैं थंब रूल के साथ आपको बता दूंगा, जिससे आप एकदम लगभग लगभग आप एग्जैक्ट पता कर लेंगे कि यह कितना कैपेसिटी का सीलिंग रोप है और कितना वजन उठा सकता है। आइए समझते हैं। तो देखिए, ये जो सीलिंग रोप होता है, इसका वजन जो उठाने की जो कैपेसिटी होती है, इसका निकालने का एक थंब रूल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस रोप को जो उठाने की जो क्षमता होती है, उसकी जो कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो एक थंब रूल है, लेकिन आपको एग्जैक्ट यदि आपको पता करना है कि वह कितना वजन उठा सकता है, इसमें आप 95% 98% तक आप एग्जैक्ट बता देंगे कि ये कितना वजन उठा सकता है। लेकिन यदि आपको 100% बताना है कि ये कितना वजन उठा सकता है, तो उसके लिए जो कंपनी है जिसने इस मतलब इस सीलिंग रोप को मैन्युफैक्चर किया है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं, या वो एग्जैक्ट बता सकती है कि कितना होगा। लेकिन आप नॉर्मली मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये सीलिंग रोप होती है यह कितना मोटा है, इसकी जो मोटाई है मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, ये कितना सीलिंग रोप ये मोटा है। अब यह जो सीलिंग रोप की जो मोटाई होगी वह कितने इसमें होगी, इंच में होगी, ठीक है, इंच में होगी। कहीं कहीं पर क्या होता है कि यह एमएम में भी दिया जाता है, तो एमएम में यदि दिया गया है तो आपको इंच में उसको चेंज करना पड़ेगा। मैं भी आपको सारी चीजें बताता हूं। तो आपको इंच में एमएम में दिया गया है तो उसको आपको इंच में चेंज करना है। यदि आपको इंच में दिया गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप सीधे फार्मूले में रख करके आप निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, लोड उठाने की जो क्षमता होती है उसका एक थंब रूल आपको बता दे रहा हूं। इस कैपेसिटी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू होता है 8, ठीक है, और इंटू डी इंटू डी, ठीक है। डी मतलब हो गया डायमीटर, हो गया जो केबल है उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो डायमीटर है वो हो गया। तो डी इंटू डी मतलब डी स्क्वायर, ठीक है। तो जो कि डी जो है रोप का जो डाया है वो है, और जो कि किसमें होगा, इंच में होगा। तो उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए यदि आप ले लें, तो उदाहरण के लिए 0.5 इंच की यदि आपके पास कोई रोप है, उसकी कैपेसिटी यदि आपको निकालनी है, तो C इज इक्वल टू 8, जो कि फार्मूले में दिया है 0.5 इंच इंटू 0.5 इंच, चूंकि देखिए 0.5 मतलब D इंटू डी, या D स्क्वायर सीधे कर दीजिए, तो 0.5 इंटू 0.5। अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 2 टन। मतलब ये हुआ कि यदि 0.5 इंच का अगर कोई सीलिंग रोप है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 2 टन की होगी, ठीक है। यदि एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं कि एक 2 इंच का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वह 2 इंच का है अगर, ठीक है, तो उस सीलिंग रोप की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, तो 8 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 जो है आपका वो देखिए 2 इंच है, तो इक्वल टू हो जाएगा 32 टन इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। अगर 2 इंच का जो सीलिंग रोप है उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 32 टन की हो जाएगी। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि वह कितना वजन उठा सकता है जो सीलिंग रोप है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि एमएम में इसकी कैपेसिटी भी दी जा सकती है, तो उस कंडीशन पर आप क्या करेंगे कि एमएम में दी गई है तो उसको निकालने के लिए आपको उसको इंच में बदलना पड़ेगा, और इंच में बदलने के लिए तरीका यही है कि जो एमएम में दिया गया है तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो एमएम दिया गया है उसमें 25.4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको इंच मिल जाएगा, ठीक है। मतलब एमएम जितना दिया गया है उसमें 25.4 से आप जब डिवाइड कर देंगे तो आपको इंच मिल जाएगा, और इस इंच को इस फार्मूले में रख करके आप पता कर सकते हैं कि कोई भी जो सीलिंग रोप है वह कितनी कैपेसिटी का है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं एग्जैक्ट, लगभग लगभग आप श्योर पहुंच जाएंगे कि कितना ये वजन उठा सकती है, और उस प्रकार से आप जहां पर भी जितनी ज़रूरत है आपको, मतलब ये तो पता ही होगा ना कि वहां पर कितना वजन उठाना है, तो आप इस फार्मूले से निकाल लेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितनी कैपेसिटी यह सीलिंग रोप निकाल पाएगी, उससे आपको निर्णय लेने में वहाँ पर फिट करने में आपको आसानी हो जाएगी।
तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल पाए। और यदि कभी उनको इस सीलिंग रूफ की इस तरह की अगर आपको कैपेसिटी उनको निकालनी हो तो वो निकाल पाए, ठीक है। मतलब ये और पतली भी होगी तो भी आप, मतलब जैसे 0.5 है तो 0.25 का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब जितना भी कम से कम है, लेकिन सबकी जो कैपेसिटी होगी वो इंच में ही आपको रखनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।